नमस्कार, शिक्षा सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम्स जो है कि चल रहे हैं, और आज 11 जून 2019 को भी एग्ज़ाम था। पूरे भारतवर्ष में जो है कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में एग्ज़ाम हुए हैं। आज का पेपर मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सेक्शन होता है, वो सेक्शन कैसा रहा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आज आए हुए हैं मेमोरी बेस्ड, हम उस तरह के क्वेश्चंस, उनका सॉल्यूशन विथ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हम लेकर के उपस्थित हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है कि एक जो नोट्स बनाए हुए हैं उसे जो है कि अपने पास रख लीजिए, ताकि जो चीज़ यहाँ पर आपको मेन लगे वो जो है कि आप उसको लिख सकें, और इससे फ़ायदा आपको आपके एग्ज़ाम में होगा। और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए या लगे कि ये टॉपिक हमारा कमज़ोर है, आप उसे ज़रूर बताएं, ताकि हम जो है कि उसे अपलोड कर सकें उस टॉपिक को। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि राहुल गीता से दोगुना तेज है और गीता सोमू से जो है कि दोगुनी तेज है। यदि वे सभी एक साथ मिलकर 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो सोमू अकेले कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। क्वेश्चन ये जो आया हुआ है, ये वर्क एंड टाइम का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि इसमें एफिशिएंसी आपको दे दिया है। ठीक है, सीधे सीधे एफिशिएंसी दिया है। डेट उट पहले देता था या फिर डे देता था कि हाँ इतने दिनों में कर सकता था। अभी तक के जो एग्ज़ाम्स थे उसमें ये देता था, लेकिन अब आज के जो क्वेश्चंस रहा, आज का जो एग्ज़ाम रहा, जो लेटेस्ट क्वेश्चन रहा, ये इस लेटेस्ट क्वेश्चन की खास बात ये थी कि इसमें आपको डायरेक्ट एफिशिएंसी मिला है। अब इस चीज़ को आप कैसे जो है कि करेंगे, इस बारे में हमको बात करना है। राहुल गीता से दोगुना तेज है, तो हमने इसको ये लिख दिया, राहुल बराबर 2 into गीता, मतलब हमने एफिशिएंसी को लिखा है। उसके बाद फिर सोमू से वो दोगुने तेज है, तो हो जाएगा 4 into सोम, क्योंकि 2 into 2, तो जो कि राहुल जो है कि दोगुने गीता के और चौगुने श्याम के, सोम के बराबर होगा। अब इनको अगर हम जोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में आता है राहुल प्लस गीता और सोमू के, अगर इन तीनों के एफिशिएंसी को जोड़ें तो 7 सोमू के बराबर आएगा। अब इसका मतलब क्या है कि सोमू को ही निकालना था कि सोमू अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है, यही चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। यही रीज़न था कि हमने इस इक्वेशन में सोमू को जो है कि रखा है। ठीक है, अगर राहुल की बात करता तो राहुल को रखते, गीता का बात करता तो गीता को रखते, जिसका बात करता हम उसको रख लेते, लेकिन यहाँ पे सोमू की बात की गई है, इसलिए हमने सोमू को जो है कि यहाँ पे लिखा। अब बात को समझने की कोशिश करिए, कह रहा है कि अब सोमू का 7 गुना 5 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो 7 सोमू आया वहाँ से अब ये चीज़ निकल के आता है कि ये सभी लोग साथ मिलकर के जो है कि 5 दिनों में जो है कि काम को ख़त्म करते हैं, तो मतलब सोमू का 7 गुना 5 दिनों में काम को पूरा करता है। तो उस कंडीशन में अगर सोमू को ख़त्म करना होगा तो सोमू को टोटल कितने लगेंगे, 7 गुणे 5 मतलब कि 35 दिन, 35 दिन 35 डेज लगेगा सोमू को उस एक्सपेक्टेड वर्क को कंप्लीट करने में जो कि सोमू को अकेले करना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे। ये सोल्यूशन आप जो है कि विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि थोड़ा सा इसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत होगी। मैंने इसलिए इसको इतना एलोबरेट कर दिया है ताकि अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स लगाना चाहें तो भी आपको काम करे। और हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी तैयारी शुरू किए हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर हो जाएगा जब हम इस तरह के क्वेश्चंस की बात करते हैं और अच्छे तरीके से उसको लिख करके समझाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि वो चीज़ बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है, इससे समय भी बचता है, उसके साथ साथ जो है कि बेहतर ढंग से समझ में आता है। हालांकि मेहनत पड़ती है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो सामने वाला कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, उसे जो कि चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आती है, यही हमारा ध्येय है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाइप एक्स दूसरे पाइप वाई से 4 गुना तेजी से भर सकता और एक टैंक को भरने के लिए वाई से 1 घंटे कम समय लेता है, जब केवल वाई पाइप अगर खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भरेगा।
तो क्वेश्चन ये है कि एक्स और वाई दो पाइप हैं और यहाँ पे जो है कि एक्स जो है कि दूसरे पाइप वाई से 4 गुना तेज़ी से काम कर सकता है और वो एक टैंक को भरने के लिए वाई से 1 घंटे कम समय लेता है। तो अब हमको ये बताना है कि जब हम वाई का यूज़ करेंगे, एक्स का यूज़ नहीं करेंगे, केवल वाई का यूज़ करेंगे, तो वो पाइप वो टैंक कितने देर में भर जाएगा, कितना समय लेगा। तो हमने माना कि जो वाई है वो टी मिनट में टैंक को भरता है और एक्स द्वारा जो लिया गया समय होगा वो T/4 होगा। सिंपल सी बात यहाँ है कि यहाँ पे जो एक्स की एफिशिएंसी है वो वाई से अधिक है। अगर वाई जो है कि टी समय लेगा तो सिंपल सी बात है एक्स उसका चौथाई लेगा, इसीलिए हमने लिखा T/4। ठीक, अब कंडीशन क्या है कि 1 घंटे कम समय, 1 घंटे कम लेता है, तो प्रश्न के अनुसार जो हो जाएगा कि जब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे, T-T/4 करेंगे, तो उस कंडीशन में 60 मिनट के बराबर आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो T-T/4 जब ये सॉल्व होगा तो उस कंडीशन में जो टी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 80 मिनट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को शूट आउट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था जो आपके आज के एग्ज़ाम में आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपके Shift 2 में आया है। अब इसको किस तरीके से हम शॉर्ट आउट करें, देखिए कितना आसान था। हमने सबसे पहले समय को मान लिया कि हाँ जो वाई है वो जो है कि टी मिनट में करता है, तो सिंपल सी बात है जो एक्स होगा वो T/4 में करेगा, क्योंकि भैया उसके पास 4 गुना जो कि तेज़ है वो, तो वो जो है कि 1/4 समय लेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 घंटे कम समय लेता है, तो T-T/4 इज इक्वल टू आ गया आपका 60। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 80। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 पुरुष या 8 महिलाएं 18 दिनों में एक काम को कर सकती हैं। ठीक है, 5 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, ये मिल करके 18 दिनों में एक काम को कर सकती हैं। अब क्या है कंडीशन कि 10 पुरुष और 8 महिलाओं को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, ये चीज़ हमें निकालना है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर 18 दिनों में ये काम कर ले रहे हैं, तो हमको ये बताना है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस काम को पूरा अगर करेंगे तो कितने समय में करेंगे। तो ज़रा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो 5 पुरुषों का काम होगा वो कहीं ना कहीं 8 महिलाओं के काम के बराबर होगा। अगर वो 8 महिलाओं के काम के बराबर है तो 1 पुरुष का काम जो होगा वो 8/5 महिलाओं के काम के बराबर होगा। अब यहाँ से 10 पुरुषों के काम आप निकाल लीजिए, तो 10 पुरुषों के जो काम निकालेंगे वो 8/5 × 10 मतलब कि 16 महिलाओं के काम के बराबर होगा। हमने इस चीज़ को इतना इलेबरेट किया है, आप आराम से भी समझ सकते हैं कि अगर 5 8 के बराबर है तो सिंपल सी बात है जो 10 है वो 16 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 पुरुष का जो काम है वो 8 महिलाओं के बराबर है, तो 1 पुरुष का काम जो है 8/5 मतलब 10 का हो जाएगा 16। अब इन्होंने कहा कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं, तो अब 10 पुरुष और 8 महिलाएं जो हो जाएंगी आपकी टोटल 24 महिलाएं। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, तो 10 पुरुष की जगह पर हमने रख दिया 16 महिलाएं, 16 महिलाएं और 8 महिलाएं मिलकर हो जाती हैं 24 महिलाएं। अब क्या है कि 8 महिलाएं उस काम को मिलकर 18 दिनों में कर सकती हैं, तो 24 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगी, तो आपको ये निकालना होगा। तो 8 × 18/24 आप करेंगे तो उस कंडीशन में 6 दिन आ जाएगा, तो 6 दिन में वो काम जो है कि पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ये इसका जो है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि एज है, टाइम एंड एज का थोड़ा देखते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक महिला को उसकी आयु बताने के लिए कहा गया था। ठीक है, आपको जब ये पढ़ा जाएगा तो लगेगा कि नहीं ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मगर ये रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये जो है आपका मैथ्स का ही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि एक महिला को उसको उसकी आयु बताने के लिए कहा गया था और उसका जवाब था कि मेरी आयु 4 वर्ष ले लो, फिर इसे 3 से गुणा करें और फिर मेरी वर्तमान आयु से 2 गुना घटाएं और फिर इसे 3 से गुणा करें और आपको पता चल जाएगा कि मेरी आयु कितनी है। लगता है कि ये महिला एक मैथमेटिशियन रही होंगी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है ना। तो ये है, अब ये कंडीशन, ये रूल्स हैं इनके, अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। महिला का कहना है कि जो हमारी उनकी जो आयु है वो उनकी आयु 4 वर्ष लेना है, फिर उसे 3 से गुणा करना है और फिर उनके वर्तमान आयु में से 2 गुने में से घटाना है और फिर से 3 से गुणा करना है और उसके बाद हमको पता चलेगा कि इनकी जो प्रेजेंट एज है, जो करेंट एज है वो कितनी है।
तो महिला की आयु कितनी है जो कि आज के एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो उसकी वर्तमान आयु है वो है एक्स, ठीक है, वर्तमान आयु एक्स हो गई। अब उनकी एज अगर ये हो जाती है कि भैया एक्स है तो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा चार ले लो, मतलब चार हमको जोड़ना। अब चार जोड़ने के बाद देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि जब हम चार जोड़ ले लेंगे उसके बाद क्या करना, उसमें से फिर तीन से गुणा करना है। तो जब हमने तीन से इसको गुणा किया तो फिर x प्लस फोर है, हमने तीन से इसको गुणा कर दिया, फिर उसके उनके जो वर्तमान आयु है उसके दोगुने में से घटाना है। तो वर्तमान आयु हो गया आपका x, उसमें से उसका दोगुना हो जाएगा 2x, उसमें से आप घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3 ब्रैकेट में x प्लस फोर माइनस 2x इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे छूट गई और ये जो कि 20 के बराबर आएगा, यहाँ पे एक लाइन छूटी है। तो अब ये चीज़ आ गया, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपका x प्लस 12 इज इक्वल टू 20, और यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आएगी। फिर जब उसको आप तीन से गुणा करेंगे तो उनकी जो आयु निकल करके आएगी वो आ जाएगी 24। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम शूट आउट करेंगे, क्योंकि घटाने के बाद यहाँ पे एक चीज़ ये है, मैं आपको बता दूँ कि दोगुना घटाना है, और दोगुना घटाने के बाद यहाँ पे जो और लिखा है और उसके बाद जो उसका आंसर आएगा वो 20 के बराबर आएगा। अब अगर ये 20 के बराबर आया तो ये चीज़ यहाँ पे एक लाइन छूट गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे वो 20 के बराबर आएगा, ठीक है, और जब वो 20 के बराबर आ गया तो उसके बाद क्या करना है कि आपको जो है कि जो एज निकल के आएगा उसमें आपको तीन से मल्टीप्लाई करना है। तो x इज इक्वल टू 8 आया, आप उसमें तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 24 आएगा। तो इस तरीके से जो महिला की वर्तमान जो है कि आयु है वो है आपकी 24 वर्ष। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी एक साथ 24 दिनों में एक किताब लिख सकते हैं, यदि ए की दक्षता बी से दोगुनी है तो अकेले ए उसी पुस्तक को कितने दिनों में लिख सकता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ए और बी दो लोग हैं जो कि एक साथ मिलकर के 24 दिनों में काम को कर सकते हैं, किताब उनको लिखना है वो लिख सकते हैं, ए की दक्षता बी से दोगुनी है और ए अकेले उसी पुस्तक को कितने दिनों में लिखेगा। तो बात समझने की अगर कोशिश किया जाए तो इस बात को ज़रा सा ध्यान दीजिए कि अब क्या है कि हमने मान लिया कि ए पुस्तक को जो है कि लिखने में लिया जो समय है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 घंटे है, तो बी द्वारा जो लिया गया समय होगा वो 10 घंटे होगा। एक हमने एग्जांपल लिया है इस चीज़ को समझाने के लिए। अब हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को ज़रा सा आप ध्यान दीजिए कि अगर एफिशिएंसी की बात करें तो ए का अधिक है बी का कम है, तो ए जो है कि 5 घंटे ले रहा है तो बी 10 घंटे लेगा। उसी तरीके से अब हम एक्स की बात कर लेते हैं, अगर ए एक्स जो घंटे ले रहा है तो उसका मतलब बी जो है वो 2x घंटे लेगा। अब क्या है कि यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ए और बी और फिर ए प्लस बी आराम से ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे जरा सा बात समझने की कोशिश करिए, x दिन में ये कर रहा है, 2x दिन में ये कर रहा है, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 2 × LCM, मतलब कि 2 × समापवर्तक, जो कि होगा 24 दिन के बराबर। ये 2 भाग कर सकते हैं, ये 1 भाग कर सकते हैं, तो टोटल जो आएगा, जो टोटल वर्क होगा 3 × 24, मतलब कि 72 इकाई, ठीक, इसका एलसीएम आ गया इतना, अब 72 इकाई। अब ये अगर अकेले उसको करने की कोशिश किया जाएगा तो 72 काम है, इसे दोगुनी तेजी से कर सकता है, तो 2 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 36 दिन आएगा। कहने का मतलब ये जो है कि 36 दिन में उस काम को पूरी तरीके से फिनिश कर देगा। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, हमने जो है कि ये मान लिया कि जो है कि ए एक्स दिन में कर एक एक्स जो है कि घंटे में कर सकता है, वो जो है कि 2x में कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, ए बी ए प्लस बी का आपने निकाल लिया, इसका एलसीएम निकाला, क्योंकि 24 डेज के बराबर होगा, ये 2 भाग ये 1 भाग कर सकता है, इसका मतलब ये कि टोटल जो वर्क होगा वो होगा 72 इकाई, ठीक। अब ये 72 इकाई हो गया, तो ए के द्वारा जो अकेला लिया गया समय होगा वो होगा आपका 72/2, मतलब कि 36 दिन में वो उस काम को कर देगा। आइए एज से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सोनम के पिता की आयु 32 वर्ष थी जब वह पैदा हुई थी, जबकि उसकी माँ 30 वर्ष की थी जब उसका भाई जो उससे 3 वर्ष छोटा था पैदा हुआ था। उसके माता पिता की आयु में क्या अंतर है?
तो ये क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखिए, ये शिफ्ट 3 में क्वेश्चन ये आज आया हुआ है। इस क्वेश्चन की खासियत क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि सोनम के जो पिता की आयु है वो 32 वर्ष है जब वह पैदा हुई थी। जब उसकी माँ 30 वर्ष की थी, जब उसका भाई जो उसे 3 वर्ष छोटा था तो पैदा हुआ था। उसके माता पिता की आयु में अंतर हमको बताना। तो हमने मान लिया कि सोनम के भाई का जो जन्म हुआ तो उसमें माँ की आयु रही आपकी 30 वर्ष। पिता की आयु जब सोनम के भाई का जन्म हुआ तो उस कंडीशन में 32 + 3 मतलब की हो जाएगी 35 वर्ष। ठीक, अब आवश्यक जो अंतर इसमें निकल करके आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 5। कैसे? इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे जब सोनम के भाई का जो क्या बोलते हैं, जो जन्म होने पर जो माँ की आयु निकल के आई थी वो 30 वर्ष निकल करके आई थी, क्योंकि उसने कहा कि जब 3 वर्ष छोटा था तो वो पैदा हुआ था, तो माँ की आयु हो गई 30 वर्ष। और जब वो पैदा हुआ सोनम का भाई, तो उस कंडीशन में जब सोनम पैदा हुई तो उस समय उसके पिताजी की उम्र 32 वर्ष थी। जब सोनम का भाई पैदा हुआ तो उनकी उम्र जो है कि 3 साल और बढ़ जाएगी, मतलब 35 हो जाएगी। अंतर की बात किया है तो सिंपल सी बात है, जो अंतर होगा वो 35 में से आप 30 जब घटा देंगे तो आवश्यक जो अंतर निकल करके आ जाएगा वो निकल करके आ जाएगा आपका 5 वर्ष, क्योंकि 35 में से 3 घटेगा तो उसके बाद 30 घटेगा तो आपका आ जाएगा 5 वर्ष। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक पुस्तक को 536 रुपये में बेचने के बाद अर्जित लाभ और पुस्तक को 426 रुपये में बेचने के बाद हुआ हानि समान है। पुस्तक का जो लागत मूल्य है वो बताना है। एक पुस्तक है जिसको 536 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता है, और 426 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है, और उस कंडीशन में जो लाभ और हानि होती है वो बराबर होती है, तो मुझे बताना है कि पुस्तक की लागत मूल्य कितनी। हमने मान लिया जो CP है, मतलब जो लागत मूल्य, उसको हमने CP से दर्शाया है। विक्रय मूल्य को हमने SP से दर्शाया है। लाभ के लिए सिंपल सी बात है, SP माइनस CP करेंगे तो 536 माइनस CP हो जाएगा। हानि के लिए CP माइनस SP करेंगे तो हो जाएगा CP माइनस 426। और इसने कहा है कि लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो उस कंडीशन में जब हम इसको बराबर दिखाएंगे तो वहाँ से CP की जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो आ जाएगी 481, क्योंकि 2 CP इज इक्वल टू हो जाएगा 436 + 426 बराबर 962, तो CP इज इक्वल टू हो जाएगा 481। लागत मूल्य निकल करके आ जाएगी 426 जब हम इसको 962 को 2 से भाग देंगे तब। इसके बाद आज बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एज से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि पिता की वर्तमान आयु बेटी की आयु के 3 गुने से 10 वर्ष कम है। 6 वर्ष बाद पिता बेटी की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष बड़ी होगी, तो ये बताना है कि पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो पिता की वर्तमान आयु बेटी की आयु से जो है कि 10 वर्ष के 3 गुने से 10 वर्ष कम है, तो हमने मान लिया कि जो बेटी की वर्तमान आयु है वो एक्स वर्ष है। पिता की आयु तब हो जाएगी 3 गुने से 10 कम, मतलब 3x - 10। अब इसके बाद 6 वर्ष बाद की जब हम बात करेंगे तो 6 वर्ष बाद दोनों की एज 6-6 साल बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा x + 6, ये हो जाएगा 3x - 10 + 6 मतलब कि 3x - 4। और उन्होंने कहा कि जो उसका अंतर होगा वो 8 के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में 3x - 10 + 6 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -2x + 6 इज इक्वल टू 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 4 - 2x - 12 = 8, और यहाँ से इसको जब और सॉल्व करेंगे तो x = 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बेटी की उम्र है वो है 24 वर्ष, पिता की उम्र हो जाएगी जस्ट इसका जो है कि 3 गुना, मतलब कि 72, 72 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 62। इसका मतलब जो है कि पिताजी की उम्र हो गई 62 वर्ष। तो पिता और पुत्र की आयु का जब योग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 86 वर्ष, मतलब कि 86 ईयर्स। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है कि 11 जून 2019 में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और कैसे क्वेश्चंस आए थे उसके हम लोगों मेमोरी बेस्ड हम लोगों ने देखा, और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ विद डिटेल सॉल्यूशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम लोग 12 जून 2019 का वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।